जैन जय भारत आज की वैकेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से। इसके संबंध में मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, लेकिन ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसकी डेट बिल्कुल नज़दीक आने वाली है, यानी कि आज इसकी लास्ट डेट है 5 तारीख को। और जोन है जहाँ पे वैकेंसी रखी गई है, भूतपूर्व सैनिकों के 2 टाइप की वैकेंसी, एक्सेस में नॉन एक्सेस में 2, एक्सेस में नॉर्मल एक्सेस में अप्लाई कर सकते हैं। ESM 2 में जो डिपेंडेंट किल्ड इन एक्शन और डिसेबल एक्सेस में दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडेंट किल्ड इन एक्शन का मतलब है कि किसी ऑपरेशन में शहीद हुए हैं, उनके बच्चों के लिए कुछ रिजर्व होता है, तो उनके बच्चों के लिए है का मैसेज करते हैं कि हम भर्ती हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं पहले बता रहा हूँ किल्ड इन एक्शन, यदि उनके फादर किल्ड इन एक्शन किसी एक्शन में शहीद हुए हैं, उसकी जानकारी के लिए आप जिला सैनिक बोर्ड में पता कर सकते हैं कि भाई मुझे ऑथराइज है कि नहीं, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जोनल वाइज वैकेंसी रखी गई है, वैकेंसी यहाँ पे आपको बम्पर मिलेगी। टोटल वैकेंसी में तो एक्सेसमैन के लिए जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, सभी वैकेंसी मिला के साथ यहाँ पे 298 वैकेंसी पूर्व सैनिक उनके डिपेंडेंट के लिए हैं। और यदि डिपेंडेंट या जो डिसेबल एक्सेसमैन नहीं मिलते हैं तो ये वैकेंसी शिफ्ट हो जाएगी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए। जोनल वाइज यहाँ पे वैकेंसी है, कुछ वैकेंसी में आप आर्मी जो स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो का, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आज ही सब्सक्राइब कर दें, बगल में छोटी घंटी है उन दोनों को प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर रोज आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे वैकेंसी है नॉर्थ जोन के अंदर का, जिसमें कि 2388 पोस्ट हैं, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए 298 पोस्ट रखे गए हैं। और वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आगे बताऊँगा कि कुछ वैकेंसी में सिर्फ आर्मी स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट के बेस पे अप्लाई किया जाता है, जिनको फौज ने आर्मी का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। दूसरी जो वैकेंसी है साउथ जोन के अंतर्गत है, जिसमें कि सभी वैकेंसीज़ का टोटल करें हम लोग यहाँ पे 95+40 वैकेंसीज, ये वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे निकल के आ रही है। 135 पोस्ट जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए है ईस्ट जोन में। टोटल वैकेंसीज़ में थे 128+32 वैकेंसीज, 160 पोस्ट यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए ईस्टर्न जोन में रखे गए हैं। वेस्टर्न जोन में जो पोस्ट हैं 68+31 पोस्ट। नॉर्थ ईस्ट जोन में 19+6 ए पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। तो इसकी डिटेल दी गई है। टोटल वैकेंसी में 14.5 वैकेंसीज ओरिजेंटल रिजर्व है एक्सेस मैन के लिए, 10% वैकेंसी नॉर्मल एक्सेस मैन के लिए है, और 4.5% वैकेंसी जो डिसेबल एक्सेस मैन है और डिपेंडेंट एक्सेस मैन किल्ड इन एक्शन उनके लिए वैकेंसी रखी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने इफ वैकेंसीज एडवर्टाइज अंडर कैटेगरी ESM 2 आर नॉट यूटिलाइज दे सेल देन ही मेड अवेलेबल टू द ESM 1 कैटेगरी, यानी कि ESM 2 में यदि नहीं मिलते हैं कैटेगरी और डिपेंडेंट तो वो शिफ्ट हो जाएगी नॉर्मल एक्सेसमेंट को। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एजुकेशन में बता देता हूँ आप लोगों को, सिंपली यहाँ पे आप जैसे कि मैं किसी भी पोस्ट को यहाँ पे देखता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ AG 3rd जनरल, इसके लिए टोटल पोस्ट हैं 46, तो इसके लिए क्या एजुकेशन रहने वाली है AG 3rd जनरल के लिए, तो यहाँ पे इसकी दिया हुआ AG 3rd जनरल के लिए, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे AG 3rd जनरल, जिसमें कि 46 वैकेंसी एक जोन की बात कर रहा हूँ मैं। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए, कंप्यूटर भी जरूरी है इसमें। दूसरी पोस्ट यहाँ थी मैं यहाँ पे देखता हूँ दोस्तों, तो दूसरी जो पोस्ट है यहाँ पे जो कि यहाँ पे मैं देखूँ तो ये है AG 3rd डिपो, 106 पोस्ट हैं इसमें। तो AG 3rd डिपो के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है उसकी आप यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद
प्रोफेशनल यूज़ ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर आपको आना चाहिए लेकिन आप विजिट होना चाहिए किसी भी आपने डिसिप्लिन से किया हो, तो भूतपूर्व सैनिक भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर आना चाहिए, कंप्यूटर नहीं भी आता आपको तो आप यदि इस वैकेंसी में क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद भी सीख सकते हैं जो आपको टाइम मिलता है उसके अंतर्गत। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना हो यहाँ पे इसकी डिटेल दी गई है, तो आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको। ऑनलाइन में किस किस तरह से टेस्ट आएगा, कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा, उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। हर एक जो पोस्ट है उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है कि उसके कौन कौन से लेसन, कौन कौन से टॉपिक को चूज़ किया गया है। FCI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.fci.gov.in, उसके माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। पूरे भारत से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, इनके लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जो इसके लिए सेंटर्स पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पढ़ेंगे उसकी आप देख सकते हैं। स्टेट वाइज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, हर स्टेट में जो है दो दो चार चार सेंटर रखे गए हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 5 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी गई है, इस बात को ध्यान रखना होगा। यदि जिसने भी अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 6/9 से लेके यानी सितंबर से लेके 5-10 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।